नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, अच्छे जीवन के लिए अच्छी नींद बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो आपकी नींद के साथ आपके जीवन को भी प्रभावित कर सकती हैं। ऐसी आदतें आपको आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही कुछ आदतों के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले कृपया आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, शास्त्रों और पुराणों में कहा गया है कि जिस घर में ग्रह लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं, उस घर में देवी लक्ष्मी का वास रहता है। इसलिए ग्रह लक्ष्मी से विवादों में उलझना नहीं चाहिए, खास तौर से रात में सोने के समय, क्योंकि यह समय उलझनों को भुलाकर एक नई शुरुआत करने का होता है, ताकि अगला दिन प्रेम और उत्साह के साथ शुरू हो। रात का विवाद आने वाला दिन खराब कर सकता है। दोस्तों, बताया गया है सोने से पहले धन की चर्चा करने वाला व्यक्ति हमेशा ही चिंतित रहता है। पैसे वाले इंसान भी शाम के समय पैसे का लेन देन नहीं करते, इसलिए पैसे की लेन देन की बातें अपने बेडरूम से दूर ही रखनी चाहिए। दोस्तों, ऐसा करने वाला व्यक्ति ढंग से सो भी पाएगा और अपने जीवन में तरक्की भी करेगा। बालों को दोनों हाथों की उंगलियों से ना रगड़ें। दोस्तों, नारद पुराण और विष्णु पुराण में बताया गया है कि बालों को दोनों हाथों की उंगलियों से रगड़ना नहीं चाहिए। संभवतः स्वास्थ्य संबंधी कारणों से इसे अशुभ लक्षण माना गया है और कहा जाता है कि इससे धन का नुकसान होता है। दोस्तों, चिंता चीता के समान है, यह तो सभी जानते हैं, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि सोने से पहले चिंता मुक्त ना रहने वाला इंसान नींद का लाभ उठा नहीं पाता। ऐसी स्थिति में व्यक्ति मेहनत नहीं कर पाता और धन का नुकसान होता है। दोस्तों, महाभारत के अनुशासन पर्व में जिक्र किया गया है कि रात के समय बाल नहीं संवारना चाहिए। बहुत से लोग दिन में समय नहीं मिलने पर रात के समय, खास तौर पर सोते समय नाखून काटते हैं, जिसे अशुभ लक्षण माना गया है। इसका सेहत पर बहुत ही बुरा असर होता है और इससे धन की हानि भी होती है। दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली हमारी सभी वीडियोज को आप आसानी से देख सकें। मैं मिलता हूं आपसे एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।